أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। जी आज का जो लेक्चर जो मैं देने जा रहा हूँ, आज इंशाल्लाह हम टोन्स की वैल्यू पढ़ेंगे, उसके बाद टोन्स मार्केशन के जो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि टोन्स जो वर्ड के ऊपर जो वोवल के ऊपर जो लगती है टोन्स, इसके हवाले से आज हमारा लेक्चर होगा। लेट मी स्टार्ट। टोनल ग्राफिक वैल्यू, ग्राफिक वैल्यू। कल जो हमने टोन्स पढ़ी थी, कल के लेक्चर में लास्ट में जो हमने टोन्स पढ़ी थी, आज हम उसको देखेंगे कि टोन्स का जो लेवल है वो किस हद तक हम उसको पढ़ सकते हैं। हर चीज़ को मापने के लिए कोई ना कोई आला होता है। जैसे कि कल मैंने आपको जो टोन्स पढ़ाई है, आज हम उसमें देखेंगे इसकी ग्राफिक वैल्यू की मदद से कि टोन्स को किस हद तक हम उसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि कल मैंने पढ़ाया था माँ, तो इसकी कोई हद है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे हमने ख़त्म करना है, ये नहीं कि हमने पढ़ते जाना है माँ इज़ रॉन्ग, गलत है। हमने हर चीज़ के लिए कोई ना कोई एक लिमिट है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक चीज़ को देखना होता है, उसको हमने समझना होता है। आज सबसे पहले मैं आपको जो टोन्स की ग्राफिक वैल्यू बताने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक कि आया कि हमने टोन्स को कितना हद तक हमने उसको खींचना होता है। ओ ज़ीरो एक्स वाई, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। पहली टोन जो हमारी जो मैंने कल आपको पढ़ाई थी, फर्स्ट टोन, जिसको हम स्टैंडर्ड टोन भी कहते हैं, हाई लेवल टोन भी कहते हैं, फर्स्ट टोन, फर्स्ट टोन की ग्राफिक वैल्यू क्या होती है? फाइव 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 फाइव, हम इसको 55 भी पढ़ सकते हैं, 55 फर्स्ट टोन की वैल्यू। तो फर्स्ट टोन आपकी ये, इसका मतलब जब आपसे ग्राफिक में इसकी वैल्यू पूछी जाए फर्स्ट टोन की, तो आप 55 भी कह सकते हैं और 55 भी कह सकते हैं फर्स्ट टोन। सेकंड टोन वैल्यू थ्री, जो ये राइजिंग सेकंड टोन को हम राइजिंग टोन भी कहते हैं, राइजिंग टोन, हाफ पिच भी कहते हैं। हाफ पिच मैंने कल आपको बताया था, हाफ पिच क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखें वन से फाइव तक हमारे डिजिट है, हमारे डिजिट वन से फाइव तक है, तो हमने जो सेकंड टोन को जो टिक किया है वो थ्री से है, इसका मतलब ये सेंटर में आ रही है, सेंटर में, सेंटर से उठाकर हमने फाइव के साथ इसको अटैच कर दी, तो ये हमारे पास क्या होगी, हाफ पिच होगी, हाफ से शुरू किया माँ माँ माँ, हाफ पिच से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री एंड फाइव, थ्री एंड फाइव।
35 भी कह सकते हैं, 35। और इसका साइन क्या था सेकंड टोन का, नीचे से ऊपर की तरफ। अब थर्ड टोन जो है उसको हम फॉलिंग एंड राइजिंग भी कहते हैं, फॉलिंग एंड राइजिंग। पहले नीचे फिर हम ऊपर, टिक का साइन होता है, टिक का साइन। अब इसकी वैल्यू देखें, 2 1 4 के साथ मिला दिया, 2 1 4 के साथ मिला दिया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 214, 214, 214। थर्ड टोन वैल्यू क्या होगी, 214। फॉलिंग एंड राइजिंग, मा फॉलिंग एंड राइजिंग। फोर्थ टोन जिसको हम फॉलिंग टोन भी कहते हैं, उसको डिफॉल्ट टोन भी कहते हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो, ऊपर से नीचे की तरफ, उसकी ग्राफिक में उसकी वैल्यू क्या होगी, फाइव टू वन फोर्थ वैल्यू, 5-1, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ। अब देखें, मैंने आपको चार्ट की मदद से बताया कि टोन्स जो चाइनीज़ ने जो मुतारफ़ करवाई है आपको, जो टोनल लैंग्वेज मुतारफ़ करवाई है, इसके टोन्स को कैसे कैसे उन्होंने सर्च के साथ उसको डिज़ाइन किया, वो क्या है, बेसिक कितनी 4 है और फिफ्थ इज़ न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स जो आपकी ज़ीरो है, ज़ीरो, ये आपकी न्यूट्रल है, ज़ीरो। फिफ्थ क्या है आपकी, फिफ्थ वैल्यू की जो है वो आपकी ज़ीरो, सिफर। फर्स्ट टोन देखें, 5-5 वैल्यू, फर्स्ट टोन की वैल्यू क्या है, 5-5। सेकंड टोन की जो वैल्यू है वो क्या थी, 3-5। इसको हाफ पिच क्यों कहते हैं, आप समझ आ गए क्यों कहते हैं हाफ पिच, क्योंकि सेंटर से शुरू हो रही है, सेंटर से शुरू होकर ये टॉप पे 5 पे जा रही है, इसका मतलब इसको इसलिए हम कहते हैं हाफ पिच भी कहते हैं। थर्ड जो वैल्यू है वो 214। फोर्थ वैल्यू 5-1, ऊपर से नीचे 5-1। ये थोड़ा सा टॉपिक था हमारा, ग्राफिक वैल्यू, टोन्स का ग्राफिक वैल्यू क्या क्या है और क्यों टोन्स को कितने हद तक कैसे पढ़ना है। मा 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 मा, ये टोन्स के पढ़ने के जो मेथड है, जो तरीका है टोन्स का, वो मैं आपको कल भी बताया था, वो आज मैंने फिर आपको रिपीट करवा दिया। और इसके साथ जो इसको याद रखने के लिए जो इसके फार्मूला कल आपको मैंने बताए थे, माउंटेन मैकडोनल्ड का एम, माउंटेन का एम, एरोप्लेन की मैंने आपको एग्जांपल दी, इसके अलावा बेशुमार एग्जांपल है इसको याद रखने के लिए टोन्स को। यही वो टोन्स है जो आपकी पूरी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होती है। जब आप HSK 1 की बुक को हम पढ़ेंगे, उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि टोन्स जो 4 टोन्स है कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, होती तो हर वर्ड के ऊपर है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। ये था हमारा छोटा टॉपिक ग्राफिक वैल्यू का। आप इसके साथ ही छोटा सा टॉपिक है टोन मार्केशन। मैंने कल आपको बताया था कि हमें, आप ये सोचते होंगे कि सर जो आपने कल MA लिखा था, इसके ऊपर जो टोन लगाई थी, आपने A के ऊपर क्यों लगाई टोन, M के ऊपर क्यों नहीं लगाई। आज इसी के ऊपर ये टॉपिक है जो अभी मैं आपको करवाता हूँ टॉपिक, वो उसका नाम है टॉपिक का टोन मार्केशन, कि टोन्स किसके ऊपर लगाते हैं और क्यों लगाते हैं और किसके ऊपर आती है टोन्स। आप इसका थोड़ा सा वैल्यू में, आप देखें जो टोन मार्केशन है, टोन मार्क, टोन मार्क आपकी जो है हमेशा वोवल्स के ऊपर हम लगाते हैं, ये बात जेन में जेन निशीन कर लें, वोवल्स के ऊपर ही हम टोन्स लगाते हैं।
हमारे अल्फ़ाबेट्स में दो चीज़ें होती हैं, एक तो वोवल्स होती हैं, दूसरे कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वो होती है जिसकी अपनी साउंड नहीं होती, वोवल्स वो होती है जिसकी अपनी साउंड होती है। अब दुनिया का इंग्लिश के जो वर्ड है आप उठा के देख लें, हर वर्ड के अंदर वोवल्स लाजमी होता है। वोवल्स के बगैर आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते। वोवल्स के बगैर आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते। वोवल्स की डेफिनेशन क्या है? वो वोवल्स जिसकी अपनी साउंड होती है। वोवल्स वो होते हैं जिसकी अपनी साउंड होती है। कॉन्सोनेंट वो होते हैं जिसकी अपनी साउंड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मैं वर्ड लिखने जा रहा हूँ, GRW। अब मैं आपको कहता हूँ कि इसको पढ़ के दिखाएं, ये क्या है GRW। आप इसे क्या पढ़ेंगे? आप इसे तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक इसके अंदर वोवल नहीं लगेगा। हमारे पास दो किस्म का वोवल होते हैं, एक होते हैं वोवल्स, दूसरे थे सेमी वोवल्स। सेमी वोवल्स, सेमी वोवल्स क्या है वो भी आपको मैं जब लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा उसमें बताऊंगा इसके सेमी वोवल्स कौन से होते हैं, फिर उसके साथ मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। GRW, अब इसको मैं आपको कहता हूँ कि इसको प्रोनाउंस करें, इसको पढ़ें, तो आप इस वर्ड को नहीं पढ़ सकते। क्यों? वजह क्या है कि इसके अंदर वोवल नहीं है। आप इंग्लिश का जो सा मर्जी वर्ड्स को देख लें, जो सी मर्जी किताब से उठा के देख लें, उसके अंदर एक दो तीन वोवल्स लाजमी होंगे। एक ना एक, कम से कम एक वोवल तो लाजमी होगा उसके। अगर आप अपने नाम ही देख लें, जैसे मेरा नाम है कामरान, मोहम्मद कामरान, तो कामरान के अंदर दो वोवल्स आ रहे हैं, KAMRAN। फियाज है, फियाज के अंदर दो वोवल्स आ रहे हैं, FIAIA वोवल्स है। अब दुनिया का जो सा मर्जी इंग्लिश का वर्ड उठा लें, आप देखें कि उसके अंदर वोवल्स लाजमी इंक्लूड होगा, उसके बगैर आपके साउंड नहीं बन सकती। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल GRW, इसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता जब तक इसके अंदर मैं कोई वोवल ना लगा दूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने लगा दिया ओ, अब ये बन गया ग्रो। ग्रो किस चीज़ का, किस चीज़ की प्रोडक्शन होना, किस चीज़ का पैदा होना, ग्रो। इसी तरीके से वोवल्स, चाइनीज़ के अंदर जो वोवल्स हैं हमेशा उसके ऊपर हम टोन्स लगाते हैं। चाइनीज़ के अंदर जो वोवल्स हैं हमेशा उसके अंदर टोन्स लगती हैं। कॉन्सोनेंट के ऊपर हम टोन्स नहीं लगाते, हमेशा वोवल्स के अंदर, वोवल्स के ऊपर हम टोन्स लगाते हैं। अब वोवल्स क्या हैं, इंग्लिश के वोवल्स कितने हैं? 5, AEIOU। इंग्लिश के अंदर जो वोवल्स हैं वो कितने हैं? 5। और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21, कॉन्सोनेंट 21 है। चाइनीज के अंदर हम कॉन्सोनेंट को कहते हैं इनिशियल, वोवल्स को कहते हैं चाइनीज के अंदर फाइनल्स। इनिशियल्स एंड फाइनल्स। अभी आप देखेंगे टोन मार्केशन किसके ऊपर टोन्स लगती है, वो है AEIOU। अच्छा, ये तो मेरे पास चल गया, AEIOU के ऊपर टोन लगाते हैं। अगर वर्ड के अंदर अगर तो एक वोवल होगा, हमें पता है वोवल के ऊपर टोन आनी है, ये तो हमें साफ जाहिर है। अगर वोवल के अंदर, अगर वर्ड के अंदर दो वोवल्स आ जाए तो फिर किसके ऊपर लगानी है? जो हमारे पास इंग्लिश को वोवल्स का जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस वो क्या है? AEIO। हमने सीक्वेंस को फॉलो करना है, सीक्वेंस को, जैसा सीक्वेंस दिया गया उसको, इसके मुताबिक हमने इसको फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर है ग्रो, इसके ऊपर मैं फर्स्ट टोन लगाता हूँ। फर्स्ट टोन कौन सी होती है? स्ट्रेट टोन। वो तो हमें पता है कि हमेशा वोवल्स के ऊपर टोन्स लगती हैं। ये मैंने फर्स्ट टोन लगा दी। अब इसी तरीके से अगर इसी वर्ड के अंदर या कोई दूसरा वर्ड ले लेते हैं, चांग, इसके ऊपर मैं फर्स्ट टोन लगा रहा हूँ चांग, क्योंकि हमें पता है इस वर्ड के अंदर एक वोवल है ए, हमने इसके ऊपर लगा दी।
और जिस वर्ड के अंदर दो बबल्स आ जाए तो फिर क्या करेंगे, जैसे कि थ्याओ, टी की साउंड चाइनी में थे होती है। यह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा वो इसी के ऊपर ही होगा, ए से लेकर जी तक अल्फाबेट्स चाइनीज में, चाइनीज के अंदर अल्फाबेट्स की साउंड्स क्या होती है, पी को क्या पढ़ेंगे, ए को क्या पढ़ेंगे, बी को, सी को चाइनीज के साउंड के अंदर क्या पढ़ेंगे, अगला लेक्चर इंशाल्लाह इसके ऊपर ही होगा। फिर आपको ये भी इसकी टोन, इसकी जो साउंड्स आपको क्लियर हो जाएंगी अल्फाबेट्स की। थ्याओ, आप मुझे ये बताएं, थ्याओ एक वर्ड है, चाइनीज का वर्ड है। अब इसके अंदर कितने वोवल्स हैं, तीन वोवल्स हैं, कितने हैं, तीन, आई ए यो, आई ए ओ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस वोवल को ऊपर हमने टोन लगानी है, अगर तो एक वोवल था वो हमें पता चल गया, ए को ऊपर हमने लगा दिए, एक ओ को ऊपर हमने लगा दी, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किसके ऊपर टोन लगानी है, ये बात समझने वाली है, इसको गौर से सुने। मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये इंग्लिश का सीक्वेंस है, वोवल्स के सीक्वेंस है, वोवल्स के सीक्वेंस है, ए ई आई ओ, हमने सीक्वेंस को फॉलो करना है, सीक्वेंस को। अगर आई ए ओ है तो हमें सीक्वेंस में देखना है कि सबसे पहले कौन सा लेटर आ रहा है, वोवल्स के अंदर सबसे पहले कौन सा लेटर था, ए है, कौन सा, ए, तो इसका मतलब हम ए के ऊपर टोन लगाएंगे, किसके ऊपर लगाएंगे, ए के ऊपर। थ्याओ, थ्याओ इसको पढ़ने का तरीका थ्याओ, सेकंड रो में पढ़ना ना, जैसे मैंने आपको माँ का जो उसकी प्रैक्टिस करवाई थी माँ की, ये इसको हमने सेकंड रो में मैंने लिखा ना इसको, इसको हम पढ़ेंगे थ्याओ, क्या पढ़ेंगे, थ्याओ थ्याओ। तो हमने किसके ऊपर टोन लगाई है, ए के ऊपर, किसके ऊपर, ए के ऊपर। अगर इसी तरीके से एक और वर्ड मैं लिखने जा रहा हूँ, छंग छंग, ई को ऊपर हमने, ई को ऊपर हमने टोन लगा दी। इसी तरीके के, इसी तरीके से हम कुछ वर्ड्स लेते हैं, शोची, शोची मीन्स होता है मोबाइल, सेलफोन, चाइनीज में मोबाइल को कहते हैं शोची, शोची क्या कहते हैं, शोची। अब देखें, अब मुझे तो टोन याद, मुझे तो हर वर्ड के साथ टोन याद है, हर वर्ड के साथ मुझे टोन याद है, किसके ऊपर लगानी हो, कौन सी लगानी है, ये भी आपको वक्त के साथ साथ आपने जब वर्ड को याद करना ना, चाइनीज की जब वोकैबुलरी को पढ़ेंगे उसके साथ हमने टोन को भी याद करना होता है। ये बात बड़ी आसान मैं अंदाज में आपको बता रहा हूँ, कुछ बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि हम टोन कैसे लगाएंगे, वो बाबर कुछ स्टूडेंट पूछते हैं हमसे, क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा हमने टोन्स किसके ऊपर लगाने हैं, वो तो मैंने बता दिया कि हमेशा वोवल्स के ऊपर टोन लगाते हैं, पूरी चाइनीज के अंदर आप देखिएगा वोवल्स के ऊपर टोन होगी, कंसोनेंट के ऊपर टोन्स नहीं लगाते, हमेशा वोवल्स के ऊपर टोन लगती है, वो भी मैंने आपको बता दिया, ये सीक्वेंस के मुताबिक, जैसा सीक्वेंस वोवल्स का है ए ई आई ओ यू, इसके मुताबिक हम देखेंगे कि कौन सा लेटर पहले आ रहा है, ठीक है, कौन सा लेटर पहले होगा इसके अंदर, अगर ए ई है तो ए को ऊपर लगा देंगे, अगर ई आई है तो ई को ऊपर लगा देंगे, अगर आई ओ होगा तो आई को ऊपर लगा देंगे, अगर ओ यू हो जाएगा तो ओ को ऊपर लगा देंगे, अगर आई यू हो जाएगा आई यू, तो फिर आपको पता है किसके ऊपर लगाएंगे, अगर हमारे पास ई आई आ जाएगा तो आपको पता होगा ई पहले आ रहा है ई को ऊपर लगा देंगे। एक तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया, सोची, अब यहाँ पर देखें ओ यू है, ओ यू, तो मुझे ना पता है, मैंने मुझे तो वर्ड के साथ, हर वर्ड के साथ मुझे टोन याद है कि किसके ऊपर कौन सी लगानी है, वो भी आपको भी वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा कि हमने कौन सी टोन्स लगानी है, वो आपको हमेशा वर्ड के सारे टोन याद करनी पड़ेंगी, आपको मुश्किल नहीं होगी, वर्ड के सारे टोन्स को याद करते हैं। आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, आसान हाल इसका यही है कि वर्ड जो है, जो वोकैबुलरी का वर्ड आपने याद करना ना, उसी के साथ आपने टोन्स को याद करना, सिंपल, डैट इज़ सिंपल। इसी तरीके से शोची मीन्स होता मोबाइल, शोची का मतलब मोबाइल, मोबाइल या सेलफोन आ गया। चांग, आप ये चाइनीज का नाम है, चाइनीज का नाम है चांग। थ्याओ जो है वो एक पेपर को भी कहते हैं, थ्याओ पेपर,
सिंपल पीपल। ये ग्रो तो ये इंग्लिश का वर्ड है, ग्रो मीन्स होता है मैंने बताया कि प्रोडक्शन होना किस चीज़ का, किसी चीज़ की पैदावार, किसी चीज़ का बढ़ना, उसको मैं ग्रो कहा जाता है। छंग होता है आपकी, एक होता है छंग, जैसे मेरा नाम चाइनीज़ में मेरा नाम है छंग कोंग, छंग कोंग मीन्स सक्सेसफुल, कामयाब। तो छंग में आपका आ जाएगा सक्सेसफुल कामयाब। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसके बाद एक तो मैंने आपको बता दिया कि हमेशा टोन जो है वो वोवल्स के ऊपर आती है, किस सीक्वेंस के तहत आती है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें देखेंगे, और वो चीज़ें क्या हैं कि अगर हमारे पास दो केस आ जाए, दो केस आई यू और आई ओ, कौन सा केस है? ये आपने जेन नशीन फरमा लेने, आपने जेन नशीन फरमा ले कि दो केस ऐसे हैं, अगर वो आ जाए तो फिर हम सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते, फिर हम सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे। वो दो केस कौन से हैं? वो दो केस हैं आई यू और आई ओ। आई यू और आई ओ का केस जहाँ पे भी आ जाए, जहाँ पे भी आ जाए, तो हमने सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है। तो फिर टोन्स अगर सीक्वेंस के मुताबिक देखा जाए, आई पहले आ रहा है तो हमें आई को ऊपर टोन लगानी चाहिए, यहाँ पर भी हमारे पास आई पहले आ रहा है, ओ बाद में आ रहा है, तो हमें आई को ऊपर, वैसे तो बनती आई को ऊपर है, बाकी मैंने बताया कि ये दो केस ऐसे हैं, अगर ये दो केस ये किसी भी वर्ड के साथ दो लेटर आ जाए, कौन से? आई यू और आई ओ, तो फिर आपने आई के बजाय, आपने यू के ऊपर आपने टोन लगानी है, और आई के बजाय आपने ओ के ऊपर टोन लगानी है। इसकी भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हैं एल आई यू, लियो, इसके ऊपर मैं फॉलोइंग, वैसे तो बनता है, अगर आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर आई को आपने तो बताया था कि सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, यहाँ पर आपने आई को ऊपर टोन क्यों नहीं लगाई? तो इसका आंसर ये है, मैंने आपको बताया कि चाइनीज लैंग्वेज के अंदर दो केस ऐसे आते हैं, आई यू का केस है और आई ओ का केस है, जब ये केस आ जाएंगे तो फिर आपने सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना होता, अगर ये केस नहीं है तो फिर आपने सीक्वेंस को फॉलो करना है, अगर ये केस आगे हैं आपके वर्ड के अंदर आगे हैं तो फिर आपने इसको फॉलो, इस सीक्वेंस को फॉलो, वोवल्स को फॉलो नहीं करना, फिर आपने यू को पर लगा, आंखें बंद करके यू को पर लगा देनी है और आपने ओ को पर टोन लगा देनी है। लगाने का मतलब क्या, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, जब आप वर्ड को याद करेंगे ना तो जैसा वर्ड का स्टैंडर्ड होगा ना, जैसा वर्ड उन्होंने जो चाइनीज ने जिसने इस सिस्टम को बनाया, जैसे मैंने बताया शोची का मतलब मोबाइल होता है, इसी तरीके से फंक्शन आपका फ़ैन होता है, फंक्शन तंग आपकी लाइट होती है, तंग आपकी लाइट होती है, जैसे मोबाइल का स्टैंड है इसको कहते हैं, इसका क्वा शोची, क्वा शोची क्वा कहेंगे, ठीक है। ये आपका जो मेज़ है, मेज़ जो टेबल है उसको चोज कहते हैं, चोज। इसी तरीके से चाइनीज़ के जो स्टैंडर्ड जो वर्ड है, जो 150 वर्ड है लेवल वन के अंदर, इसी तरीके से उन्होंने इसको डिफाइन किया हुआ है। आपने वही वर्ड को याद करना है, उसका मतलब याद करना है, उसको आपने स्पीक कर देना है, जो भी जिस चाइनीज़ के साथ आप स्पीक करेंगे और उनको समझ आ जाएगी आप क्या बात कर रहे हैं। इसी तरीके से ये स्टैंडर्ड वर्ड है जो हमें टोन्स के साथ याद करने हैं, टोन्स के साथ स्टैंडर्ड वर्ड को हमने याद करना है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था एल आई यू को पर मैं टोन लगा रहा हूँ फॉलिंग, ये है फॉलिंग टोन, ऊपर से नीचे फॉलिंग, लियो। अच्छा, एक तो ये है कि आप इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, और दूसरा मैथड इसका मैं बताने लगा हूँ, जिस वर्ड के अंदर जिस वोवल की साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही होगी, ज़्यादा वाजिया हो रही होगी, उसको अपना हमेशा टोन लगाते हैं। क्या मैंने बताया? एक तो बताया आपको कि सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, दूसरा तरीका क्या है, वर्ड के अंदर वोवल को ऊपर जिस वोवल की साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी ना, उसको ऊपर हमेशा टोन लगती है, उसको ऊपर हमेशा टोन लगती है। ये बात आप ज़ेहन में फरमा लें, उसको ऊपर टोन लगती है। जैसे मैंने बताया आई यू का केस आ गया, ये कौन सा केस आ गया? आई यू केस की बात हो रही है, दो केस की बात है, आई यू और आई ओ का केस है।
यू आई ओ आई के ये इसके ये केस की बात नहीं कर रहा, ये केस की बात नहीं कर रहा, मैं आई यू और आई ओ के केस की बात कर रहा हूँ, आई यू और आई ओ के केस की बात कर रहा हूँ। लियो का मतलब होता है सिक्स डिजिट है, सिक्स सिक्स लियो चाइनीज लैंग्वेज के अंदर सिक्स को पढ़ते हैं, लियो डिजिट है ना लियो। अब मुझे ये बताएं आप ही पढ़ें, लियो आप क्या महसूस कर रहे हैं, आई की साउंड ज़रा प्रोमिनेंट हो रही है यू की, लियो लियो यू की आप इसकी प्रैक्टिस करें आपको पता चल जाएगा किसकी प्रोमिनेंट हो रही है, लियो। तो हमने यू को पर टोन लगा दी, यू को पर टोन लगा दी। इसी तरीके से श्योंग श्योंग सेकंड टोन पढ़ो, श्योंग 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 के ऊपर मैंने टोन कौन सी लगाई, सेकंड, इसके ऊपर आती सेकंड है। श्योंग का मतलब था पांडा, पांडा बियर्ड, पांडा बियर्ड, ठीक है। बियर्ड पांडा बियर्ड श्योंग। अब यहाँ पे केस कौन सा आ गया, आईओ का, यहाँ पे केस था आई यू का। तो मैंने बताया कि जब दो केस आ जाएंगे आई यू और आई ओ का केस आ जाएगा तो फिर हमने सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना, किसको फॉलो करना, हमने ये एक तो ये आंखें बंद करके आपने इसको पर टोन लगा दी, यू को पर टोन आ जाएगी। एक ये कि जिस वोवल की ज़्यादा साउंड प्रोमिनेंट होगी उसके ऊपर हम टोन लगाएंगे, जैसे कर लियो श्योंग, श्योंग मीन्स आपका पांडा और आपके आपके आपका बियर, रीच को कहते हैं, रीच आ गए या फिर पांडा को आ गए, ये टोन मार्केशन, टोन मार्केशन। ए वोवल्स ए ई आई ओ यू चाइनीज के अंदर वोवल्स और कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट वोवल्स कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वो होते हैं जिसकी अपनी साउंड नहीं होती, वोवल्स वो होते हैं जिसकी अपनी साउंड होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हर वर्ड के अंदर वोवल्स लाजमी होता है। वोवल्स को चाइनीज में फाइनल्स कहते हैं, फाइनल्स, और कॉन्सोनेंट को इनिशियल कहते हैं, इनिशियल इब्तदाइया शुरू वाले इनिशियल, इसी को ऊपर फाइनल्स इनिशियल। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे फाइनल्स क्या होते हैं, चाइनीज़ के फाइनल्स क्या हैं और चाइनीज़ के अंदर इनिशियल क्या हैं। जैसे हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट और वोवल्स को पढ़ते हैं ना, चाइनीज़ के अंदर हम फाइनल्स और इनिशियल को पढ़ेंगे कि इसको कैसे पढ़ते हैं, इनिशियल क्या होते हैं, फाइनल्स क्या होते हैं, और फाइनल और इनिशियल्स को कैसे पढ़ा जाता है, सिंगल इनिशियल क्या होते हैं और कंपाइंड कंपाउंड इनिशियल क्या होते हैं, वोवल्स क्या होते हैं, फाइनल्स क्या होते हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। आज का जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, एक तो मैंने आपको जो टोन्स की ग्राफिक वैल्यू बताई है, इसकी वैल्यू क्या है, इसको कितने हद तक पढ़ना होता है और इस टोन्स को कितना इसका सीक्वेंस लेकर हमने चलना होता है। दूसरा मैंने आज का जो टॉपिक है वो टोन मार्केशन, ये चाइनीज़ लैंग्वेज को अभी हम जो मैं आपको बेसिक करवा रहा हूँ इसको हम अभी थोड़ा थोड़ा इसको करेंगे ताकि आपको भी सीखने के में थोड़ी दिक्कत पेश ना हो, कोई मुश्किल पेश ना हो। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर हो। इसको अच्छे तरीके से आपने घर में बैठ कर सुनना है, इसको पढ़ना है और इसको याद करना है और इसको लिखना है। इसी के साथ ही अपने चाइनीज़ ट्रेनर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ ज़ाइचियाँ।